छत्तीसगढ़ कैडर 1992 बैच के आईएएस अफसर हैं। वे मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। उनके पिता भी आईएएस अफसर थे। वर्तमान में सुब्रत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण रामलला तीर्थ दर्शन योजना में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। शुरू से ही मेधावी रहे सुब्रत साहू ने पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया था। सुब्रत साहू का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में सुब्रत साहू को देश के 50 प्रभावशाली आईएएस में शामिल किया गया है। आईएएस सुब्रत साहू का जन्म 5 जुलाई 1968 को ओडिशा राज्य के केमझर में हुआ। उन्होंने रेवेंचा कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी एग्जाम दिया जिसमें उन्हें सफलता मिली। सुब्रत साहू ने मध्य प्रदेश कैडर चुना था। मसूरी में ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सहायक कलेक्टर के पद पर जबलपुर में साल 1993 में हुई। उस समय जबलपुर बड़ा शांत था। वहाँ सांप्रदायिक तनाव, आपराधिक गतिविधियाँ और गुंडागर्दी चरम पर थी। बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस की पहली एनिवर्सरी थी जिसमें उन्हें पुलिस फायरिंग, गोली चलने, लाठी चार्ज का पहला तजुर्बा अपनी पहली ही पोस्टिंग में मिल गया था। कलेक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग सुब्रत साहू को धमतरी में मिली। फिर वे सरगुजा के कलेक्टर बनाए गए। सुब्रत साहू कई जिलों में कलेक्टर रहने के अलावा कई विभागों में भी पदस्थ रहे। वे मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव रहे। गृह एवं जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और उसके तहत रेल लाइन परियोजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल के अलावा ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक रह चुके हैं। फिलहाल सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक होने के अलावा धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। सुब्रत साहू कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने विज्ञान व रामायण और विज्ञान व महाभारत पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें विज्ञान और कल्पना के बीच सेतु बनाने की कोशिश की गई है। ये किताबें उड़िया भाषा में लिखी गई हैं। सुब्रत साहू ने ओटीटी पर उपलब्ध फिल्म माय क्लाइंट्स वाइफ की स्क्रिप्ट भी लिखी है। भारत निर्वाचन आयोग में रहते हुए शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुब्रत साहू को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव रहते हुए निःशुल्क शादियां करवाने और महिलाओं और युवतियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है। सुब्रत साहू के नाम 3 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट में रहते हुए सुब्रत साहू ने एक नया प्रयोग किया था जिसमें थिएटर में पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता था। ये सुब्रत साहू की सोच का ही परिणाम था। सुब्रत साहू के सोच और इस पहल की सभी ने सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।